पहले तो आप सारे भाइयों को मेरा नमस्कार भाई, क्या हाल चाल है? आप लोग का फेसबुक पेज पे काम करते हो, प्रोफाइल पे काम करते हो एज अ क्रिएटर भाई, इन स्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन को लेकर के परेशान हो भाई? सारे डाउट दूर करूंगा, जितने भी आपके डाउट है ना इन स्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन को लेकर के सब कुछ दूर करूंगा। और इस समय आप लोग का एक सवाल भी आ रहा है, बहुत कॉमन सवाल है, पेज या प्रोफाइल पे भाई आप लोग का जो लोगो है ना वो चेंज हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। एक नया अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा मैं, और जितना भी प्रॉब्लम है इन स्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन को लेकर सारा क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। अभी कुछ समय पहले आप लोग एक वीडियो देख रहे थे, सबने सारे क्रिएटर ने बनाया था भाई, जिसमें आपको बताया गया था कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को, ये अपडेट का यह बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलने वाला है आप लोगों को, जिसमें आपका एड्स ऑन रील, बोनस प्रोग्राम, इन स्ट्रीम एड सबको मिला करके आपका रेवेन्यू मिलेगा, चाहे आप रील अपलोड करो, चाहे वीडियो अपलोड करो, चाहे फोटो अपलोड करो, ठीक है ना। उसका जो रेवेन्यू बनेगा वो आपको एक ही बार में मिल जाएगा, मतलब एक ही जो मोनेटाइजेशन टूल रहेगा कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल, उसमें आपको मिलेगा। आप लोग खुश हो गए, आपने बोला 4 अक्टूबर को ये आया था, 4 अक्टूबर को ये मोनेटाइजेशन टूल आया था जिसमें आपको बताया गया था। तो आप लोगों ने कहा भाई ठीक है, अब तो क्या करेंगे, अब तो मतलब रील भी अपलोड करेंगे तो भी हमको पैसा मिलेगा, वीडियो अपलोड करेंगे तो भी मिलेगा, फोटो अपलोड करेंगे तो भी मिलेगा, स्टोरी अपलोड करेंगे तो भी मिलेगा, और एक ही मोनेटाइजेशन टूल मिलेगा। बहुत बेस्ट है भाई, वीडियो को देख लेना, छोटी वीडियो है भाई, बहुत बड़ी नहीं बनाऊंगा, 2-3 मिनट की वीडियो पूरी देख के जाना। अब क्या हुआ है, एक नई प्रॉब्लम आ गई है आप लोगों के पास, और प्रॉब्लम बताने से पहले एक बात बोलूंगा, आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो थोड़ी अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर देना भाई, ठीक है। एक प्रॉब्लम आप लोग देख पा रहे हो, लोगो बदल गया। पहले कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इन स्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन का लोगो बदल गया है, अब वो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जैसा दिख रहा है लोगो, सही है। अभी कल से या आज से कुछ लोगों का कल से हुआ होगा, कुछ लोगों का आज से हुआ होगा, अब आपका जो फिर से जो पुराना वाला लोगो था जिसमें ढोल बना हुआ था वो लोगो शो कर रहा है इन स्ट्रीम एड में, सही बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा। तो अब लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन आ गया है भाई, अब क्या, मतलब अभी तक तो हम लोग खुश हो रहे थे कि भाई कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इसी में हमको मिलने वाला है इन स्ट्रीम एड में, यही इसी में हमारा रेवेन्यू बनेगा, तो अब कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? मतलब अभी मेरे को, मैंने अपने कमेंट्स पढ़े तो मुझे दो तीन कमेंट मैंने पढ़े जिसमें लोग बोल भी रहे हैं मेरे से कि हाँ भाई इसके बारे में बताओ, पुराना लोगो आ गया फिर से। तो भाई मैं आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप उस लोगो पुराना आ गया नीचे पढ़ के देखो, वहाँ पे वही लिखा हुआ है, कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है फेसबुक ने आपको। देखो भाई बहुत ही सोच समझ के आप लोग को बता रहा हूँ, उसमें कोई क्राइटेरिया आपको नहीं दिया हुआ है कि आप 5000 फॉलोअर कंप्लीट करो, 6500 मिनट कंप्लीट करो, 5 लाइव वीडियो होनी चाहिए। आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा, ओवरऑल आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा, आपकी जो मतलब आपके पेज की जो क्वालिटी रहेगी, उसके हिसाब से आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल या इन स्ट्रीम एड टूल आपको मिल जाएगा। देख रहे हो ना, अभी भी पढ़ लेना, मैं यहाँ पे फिर से स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना इसमें। देखो लोगो चेंज कर देना या कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल, पहले तो एक चीज़ समझ लो, ऐसा नहीं फेसबुक ने कहा था कि इन स्ट्रीम एड में आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाएगा, समझ रहे हो ना, वो अलग मिलेगा आप लोगों को। कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल वो अलग रहेगा, उसमें आपका इनसाइट्स भी रहेगा, इनसाइट्स नहीं समझ में आता है, जो आप वीडियो अपलोड करोगे, जो रील अपलोड करोगे, जो फोटो अपलोड करोगे, समझ आ रही ना आप लोगों को, जो रील अपलोड करोगे, जो फोटो अपलोड करोगे, जो वीडियो अपलोड करोगे, उसमें जो रेवेन्यू बनेगा उसके जो स्टैटिक्स होंगे वो आपको शो करेंगे, और वो रेवेन्यू उसमें बनेगा कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल में। इन स्ट्रीम एड, एड्स ऑन रील, बोनस प्रोग्राम आगे चल के रहे कि ना रहे, अगर रहेगा तो उसका क्या नियम रहेगा, समझ रहे हो ना। लेकिन इसमें कोई भी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत तो नहीं कि भाई लोगो बदल गया, इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, हमारे प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई भाई, लोगो बदल जाने से कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी भी जो टर्म एंड कंडीशन है वो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल वाले ही हैं। पहले कहा था इन स्ट्रीम एड में आपको मोनेटाइज करना होता था, 5000 फॉलोअर चाहिए होते थे, 6500 मिनट चाहिए होता था, और 5 लाइव वीडियो चाहिए होती थी, लेकिन अभी लोगो बदला है, सब कुछ सेम नहीं है भाई, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, इसको अपडेट समझ लो, अपडेट ही है एज अ फीचर, मैं तो हमेशा बोलता हूँ एज अ फीचर ही लिया करो भाई, फीचर बदलते रहते हैं। लोगों को देखकर अगर आप लोग परेशान हो जाओगे कि नहीं यार लोगों में ऐसा हो गया वैसा हो गया, हाँ एक चीज़ ध्यान देना, इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, मोनेटाइजेशन इम्पैक्ट नहीं आप पे होना चाहिए, अगर है तो परेशान रहोगे भाई। अनओरिजिनल कंटेंट नहीं होना चाहिए, कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन नहीं होना चाहिए, जितने भी वायलेशन है इनसे दूर रखो अपने पेज को, और ओरिजिनल काम करो भाई, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, उसके तरीके होते हैं भाई, मैंने बताया हुआ है कई काफ़ी वीडियोज़ में आप लोगों को बताया हुआ है, रिएक्शन वीडियोज़ बनाओ, इस टाइप की वीडियो बनाओ, अपने पेज और प्रोफाइल को भाई ओके रखो। और हाँ, अगर फेसबुक ने आपको क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ सुन के जाना भाई, फेसबुक ने अगर आपको क्राइटेरिया नहीं दिया हो ना, इसका ये मतलब नहीं कि फेसबुक बेवकूफ़ है, आपको क्राइटेरिया नहीं दे रहा तो आप कुछ भी करोगे, ना 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 भाई, क्राइटेरिया आपका काम है, आपकी जो आप रील अपलोड कर रहे हो, जो आप फोटो अपलोड कर रहे हो, जो आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, जो आप स्टोरी अपलोड कर रहे हो, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो फेसबुक का है ना वही आपका काम है, समझे आप, तो आप जो करोगे वो उसी के बेसिस पे आपको मिलेगा, चाहे वो इन स्ट्रीम एड मिले, चाहे वो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिले, सिंपल फंडा है, इसको समझ लोगे जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आप लोग परेशान नहीं रहोगे, बार बार मैसेज नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे भाई। आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी भाई, अगर आपको सजेशन चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, आप परेशान रहते हो, फेसबुक पे काम करते हो, ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आपका पेज प्रोफाइल ग्रो नहीं कर पा रहा है, वायलेशन से परेशान हो, आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो, सजेशन ले सकते हो भाई, मैं उसका फीस चार्ज करता हूँ,
समझ रहे हो। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप मुझसे कंसल्ट करो, सजेशन लो, वरना कोई जरूरत नहीं भाई। कमेंट सेक्शन खाली है, आप कमेंट कर देना। बाय बाय, लव यू ऑल। मैं इस समय वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ भाई। देखो भाई, अब अचरा कचरा अपलोड करने से अच्छा है कि जो आप लोग के सवाल हैं मैं उन्हीं को अपलोड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ रिएक्शन वीडियो, कैसे बनाएं फेसबुक पे, या तो कॉपी पेस्ट करने का तरीका अगर आप लोग देखना चाहते हो। ऐसा तरीका बताऊंगा कि भाई कोई वायलेशन नहीं आने वाला। अगर आप देखना चाहते हो भाई, कमेंट सेक्शन को भर दो कि तब तो मैं बना दूंगा भाई। बाय बाय, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू भाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।